आपका आता है मैसेज सूची। तो हमने आपको जैसे बताए भी थे कि सोर्स एंड डिस्ट्री जो सर्किट, पहले जब भी आप किसी भी स्विचिंग को पढ़ा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अनदर टाइप, तो बिफोर डिस्क्राइबिंग अनदर टाइप फर्स्ट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस मेथड, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए कि क्या ड्रॉबैक्स हैं सर्किट स्विचिंग में। सोर्स डेस्टिनेशन मस्ट बी अवेलेबल एट टाइम ऑफ डेटा ट्रांसफर। नोट्स एंड लिंक्स मस्ट बी अवेलेबल इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डेडिकेटेड एंड अंटिल द डेटा ट्रांसफर इज कम्प्लीटेड। बट वेन द सोर्स स्टेशन डज नॉट हैव इनफ डेटा टू ट्रांसमिट कॉन्टिन्यूसली, रिसोर्सेज आर अननेसेसरीली केप्ट एडिल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ डेटा। मतलब आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, कनेक्शन आपके लिए बुक हो गया और जो भी डेटा जाएगा वो पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, बट आप अभी प्रिपेयर नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा है, नेटवर्क में कहीं कोई बिजी है या कहीं आपको लग रहा है तो थ्रेट आ रहा है, तो उस समय या पैकेट आपको खुद फर्दर से रिसीव नहीं हो रहे क्योंकि आप भी आगे में भी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद कहीं से रिसीव करके आगे सेंड कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे वेट आपको करना पड़ सकता है। उस केस में पूरा जो आपका रूट है वो आप कैप्चर कर लेते हैं और डिले काफी बढ़ता चला जाता है फॉर रिसोर्सेज जो कि वेट कर रहे हैं, जिसमें कभी कभी हम लोग डेडलॉक की कंडीशन भी देखते हैं। डेडलॉक की यही कंडीशन होती है जो हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम में सबने पढ़ी हुई है। टू अवॉइड सच सिचुएशन अ डिफरेंट स्विचिंग मेथड कॉल्ड मैसेज स्विचिंग इज यूज्ड, जो आपका ये ड्रॉबैक है। इन दिस स्विचिंग मेथड नो डेडिकेटेड फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस। इट शुड बी नोटेड इन मैसेज स्विचिंग कोई भी जो आपको यहाँ पर सर्किट एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है ये करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड कि आप एडवांस में पहले से सर्किट आपने एस्टेब्लिश कर लिया। व्हेन द सोर्स स्टेशन हैज ए मैसेज टू सेंड टू द डेस्टिनेशन, इट इज स्टोर्ड इन फर्स्ट स्विचिंग नोड। सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट स्विचिंग नोड में स्टोर करके रखता चला जाएगा। ईच नोड इन द नेटवर्क इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस। नोड्स आर इक्विप्ड विद इनफ बफर, यानी स्टोरेज मीडियम वहां पे रहता है, इनफ बफर टू होल्ड द इनकमिंग मैसेज एज सून एज अ फ्री चैनल इज सीज्ड। और साथ ही साथ इज ऑल्सो इंटेंटेड टू एक्वायर एनी फ्री चैनल। मैसेज उसके पास आते चले जा रहे, उनको बफर करता चला जा रहा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ इंटेंटेड है टू सीज या कैप्चर एनी फ्री चैनल। चैनल मीन्स नंबर ऑफ नोड्स या शॉर्ट पाथ, क्योंकि उसे पूरा एक साथ नहीं भेजना है, वो बस अपने अगले स्टेशन तक चाहता है कि हमारा मैसेज चला जाए। उसके पास भी एक कैपेसिटी होगी, वो फर्दर स्टोर करके रख लेगा उसको। नोट्स आर इक्विप्ड विद इनफ बफर टू होल्ड द इनकमिंग मैसेज एज सून एज फ्री चैनल इज सीज्ड। द फर्स्ट नोट सेंड्स अ कॉपी ऑफ स्टोर्ड मैसेज टू द नेक्स्ट नोट ऑन द पाथ थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, जो कि उसने अभी कैप्चर कर लिया, उसने उसकी कॉपी को एक भेज दिया, अपने पास भी एक कॉपी रिटेन करता है। इफ देयर एनी सिचुएशन टू लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, हैकिंग ऑफ डेटा, इट मे सेंड अनदर कॉपी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन नोट। एट ईच स्टेप द मैसेज एग्जामिन फॉर एरर्स, ये भी ध्यान रखता है हम लोग कि जब भी आप दूसरे स्टेशन भेज रहे हैं तो वो भी एग्जामिन कर लेता है कि उसके पास सक्सेसफुली मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। द मैसेज गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड अंटिल इट रीच द डेस्टिनेशन, और सेम ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। एडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग, एडवांटेजेस की मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसकी वर्किंग भी साथ ही साथ शो हो जा रही है। फर्स्ट वन इज इफिशियंसी इज इम्प्रूव्ड, बाय शेयरिंग अ सिंगल चैनल। ये क्या कर रहा है, पूरा बल्क नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, ये सिंगल चैनल को या नोड को एक्सेस करके वहां तक बस पहुंचा दे रहा है, ठीक है। और जो वो वाला चैनल है फर्दर
इंटेंड और करने लगता है दूसरे अदर चैनल को। सेकेंड वन, सोर्स डेस्टिनेशन आर नॉट साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू बी रेडी, है ना। और ना ये नहीं है कि इस ओनली डेडिकेटेड जो आपका टास्क है, जॉब है, इसी को करने के लिए वो बाउंड है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर नॉट साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू बी रेडी। थर्ड, थर्ड पॉइंट, मैसेज स्विचिंग सिस्टम कैन ट्रांसमिट सिंगल मैसेज टू सेवरल डेस्टिनेशन। इट कैन ट्रांसमिट सिंगल मैसेज, जो मैंने आपको ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल बताया था, मैसेज टू सेवरल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ मेन एडवांटेजेस हैं, बट देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ मैसेज स्विचिंग। क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं? मेन जो एक इसका प्रॉपर जो है, या एक एग्जांपल आप डिसएडवांटेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ये होल्ड कर ले सकता है, बट इफ यू आर सपोज टू सेंड एनी मैसेज अर्जेंट बेसिस, या जो आप कहते हैं रियल टाइम कॉन्सेप्ट जो होता है, उसको ये फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव ट्रैफिक नहीं हो पाता है। सो इफ यू सेंड एनी मैसेज इन टर्म्स ऑफ वॉइस, जैसे कि आप वॉइस अगर ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा है तब तो कोई बात, कोई नो प्रॉब्लम, बट इन द टर्म्स ऑफ वॉइस तो क्या होगा, वॉइस रुक रुक के जाएगी, वॉइस को फिर आप क्या करेंगे, मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पार्ट कहीं है, एक पार्ट कहीं और है। बाद में जब डेस्टिनेशन एंड पे आएगा तो तब भी मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी का अरेंजमेंट ना हो, तो वॉइस का कोई एक पार्ट पहले हो, बाद में कोई एक पार्ट दूसरी जगह रिसीव हो, तो एक्चुअल ट्रांसमिशन जो रियल ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा, जो इसका मेन मेजर ड्रॉबैक है। सो प्राइमरी ड्रॉबैक, यू ऑल ऑल्सो अवेयर अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ एनी टेक्निक। अगर हम टाइप बता रहे हैं तो आपको उसके एडवांटेज और उसके लिमिटेशंस क्या है, तब दूसरी टेक्नोलॉजी को आप डिस्क्राइब करेंगे। प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ मैसेज स्विचिंग इज दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम और इंटरेक्टिव ट्रैफिक। प्रैक्टिकल टर्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, वही यहां पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वॉइस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट कम टू द, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। प्राइमरी परफॉर्मेंस वगैरह सब ठीक रहता है इसका। पैकेट स्विचिंग, हर टाइप ऑफ टेक्निक इज पैकेट स्विचिंग, मींस व्हेन द मैसेज ब्लॉक साइज इज लार्ज। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है, हमने आपको पहले बताया था, व्हेनेवर डेटा इज सेंड फ्रॉम, जब हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी डेटा लिंक लेयर की, कि जो मैसेज बहुत बड़ा होता है वो सेंड होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और फ्रेम्स आल्सो। सो व्हेन द मैसेज ब्लॉक साइज इज लार्ज, मैसेज स्विचिंग सफर विद लॉन्ग ट्रांसमिशन डिलेज, जो कि मैंने आपको पहले बताया। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड। पैकेट स्विचिंग लिमिट्स द लेंथ ऑफ मैसेज टू अ फिक्स साइज। वो क्या करती है, एक
नंबर्स जो पैकेट होते हैं उनमें भी जो पैकेट्स होते हैं उनको भी साइज को वो फिक्स कर देती है। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट भी फिक्स है और पैकेट्स के अंदर जो फ्रेम है वो भी फिक्स है, फ्रेम के अंदर जो डेटा है वो भी फिक्स है। इन पैकेट को ही हम लोग डेटाग्राम कहते हैं, पैकेट इज आल्सो नोन एज डेटाग्राम, अभी डिस्कस करते हैं आगे। सो अ लॉन्ग मैसेज इन द मैसेज स्विचिंग स्कीम विल बी स्प्लिट इनटू सीक्वेंस ऑफ फिक्स साइज पैकेट। द साइज और लेंथ ऑफ ए पैकेट मे बी बिटवीन 1000 टू अ फ्यू 1000 बिट्स, हेंस द ट्रांसमिशन टाइम इज यूजुअली शॉर्ट। अपार्ट फ्रॉम डेटा फील्ड अ पैकेट आल्सो कंटेन्स हेडर एंड टेलर। देखिए इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो एक होता है मेन मैसेज जो कि डेटा फील्ड होती है, डेटा इंफॉर्मेशन फील्ड मेन। सेकेंड जो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होता है एक हेडर फील्ड होती है जो कि इंट्रोडक्ट करती है उस मैसेज। थर्ड होता है ट्रेलर फील्ड, ठीक है। तो हेडर फील्ड में आप कंसिस्ट क्या करता है, सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस जो मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ इसमें सीक्वेंस नंबर भी होता है क्योंकि हमने बताया पैकेट ट्रेवल कर रहा है, ये तो मैसेज स्विचिंग में भी है लेकिन मैसेज स्विचिंग में सीक्वेंस जो नंबर होता है वो सेंड कर दिया जाता है पहले से ही कहां डेस्टिनेशन में, या Also, this tedious job is left over to the destination point. Virtually communicate कर दिया, बाद में ये सारा काम आपने छोड़ दिया destination end पे। But in packet switching, these all arrangement is made by sender end. वहां पे ही इस तरह से बनाया जाता है कि ये कहीं problem destination end पे face ना हो, और साथ ही साथ एक sequence number भी इस header field में रहता है। ठीक है, ये इसमें आप क्या कंटेन करते हैं, सबसे पहले एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एज वेल एज सीक्वेंस नंबर। और ट्रेलर फील्ड में जो हमने बताया था मेन, इसमें आप एरर को प्रिवेंट करते हैं, एक चेकसम होता है, चेकसम चेकसम या बिट स्टफिंग अभी हम लोग आके डिस्कस भी करेंगे। चेकसम एक मैकेनिज्म या मेथड होता है बाय विच वी कैन ऐड सम एक्स्ट्रा जीरोस और वंस इन द डेटा फील्ड, इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम एरर फ्रॉम एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। और डेस्टिनेशन में ये जो आपका इनक्रिप्टेड डेटा होता है क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे होते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स, क्योंकि फॉर्म जो डेटा होता है वो एक्चुअल में आपका ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, तो वो पहले से ही हम उसको एक कोड भेज देते हैं उसका कि जिससे वो डेस्टिनेशन एंड पर जाकर के वो डिक्रिप्ट हो जाए। सो दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल एंड वेरी सेफ फ्रॉम द मैसेज विच इज टू लॉन्ग इन द साइज एंड ऑल्सो देर एवर रिक्वायर्ड अ रियल टाइम प्रोसेसिंग लाइक वॉइस ट्रांसमिशन। देर आर टू मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, इसमें भी दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, फर्स्ट वन इज डेटाग्राम, सेकेंड वन इज वर्चुअल सर्किट, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाग्राम, डेटाग्राम मैंने आपको पहले बताया डेटाग्राम मोड, डेटाग्राम को जो जो पैकेट्स होते हैं उनको हम लोग डेटाग्राम कहते हैं। तो इन द डेटाग्राम मोड देयर इज नो सेटअप, नो कॉल रिक्वेस्ट, कॉल रिक्वेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे वर्चुअल सर्किट में होती है, जो मैंने बताया था हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है एट द वर्चुअल सर्किट और फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड। पैकेट स्विचिंग इज मस्ट फास्टर वेन एवर यू यूज डेटाग्राम मोड इन वर्चुअल सर्किट। इसमें क्या करते हैं, वर्चुअल सर्किट बना लेते हैं लाइक सर्किट स्विचिंग, देयर इज नो एक्चुअल और फिजिकल सर्किट आप इस्टेब्लिश करते हैं, इसमें सिर्फ वर्चुअल सर्किट आप ट्रांसमिट कर लेते हैं।
सो एट फर्स्ट सोर्स नोड ट्रांसमिट अ कॉल रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टू द डेस्टिनेशनल नोड. इफ द डेस्टिनेशन नोड इज प्रिपेयर टू रिसीव अ मैसेज इन रिटर्न अ कॉल एक्सेप्ट, जिसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट भी कहेंगे. अभी थ्री टाइप की हैंड शेकिंग, जो थ्री मेथड ऑफ हैंड शेकिंग होती है, उसमें टू द सोर्स स्टेशन. वंस द कॉल एक्सेप्ट पैकेट इज रिसीव, अ वर्चुअल सर्किट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एंड दिस इज वर्चुअली मैनेज्ड, नो फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड. ऑल द पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम वर्चुअल सर्किट. आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेंडिंग द मैसेज डेस्टिनेशन एंड फाइनली सेंड अ कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट दैट एंटायर मैसेज इज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय दिस पर्टिकुलर या डेस्टिनेशन स्टेशन. ये जो पैकेट सूची है, ये दो मोड से होती है. तो डेटाग्राम मोड से हो गई, जिसमें डायरेक्टली पैकेट के फॉर्म में डेटा एस्टेब्लिश हो गया, इसमें कोई भी जो वर्चुअल या फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है. एंड इन द वर्चुअल सर्किट मेथड, इन विच वर्चुअल सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड कंफर्मेशन विद डेस्टिनेशन, वेयर सेंडर रिक्वेस्ट ए कॉल और एनी रिक्वेस्ट टू द डेस्टिनेशन एंड सेंड अ कॉल एक्सेप्ट मैसेज. यू कैन ऑल्सो से दैट एक्नॉलेजमेंट मैसेज दैट दिस स्टेशन इज रेडी टू रिसीव द पैकेट वॉट एवर सेंडिंग बाई सेंडर एंड. एंड आफ्टर द कंप्लीट पैकेट्स और मैसेज इज रिसीव्ड बाई द डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो चेकिंग द लॉस ऑफ एनी डेटा, ऑल्सो अरेंज द सीक्वेंस नंबर. ठीक है, इस तरह से अरेंज करके पूरा डेटा जब हो गया तो फाइनली एक कंफर्मेशन, सक्सेसफुल कंफर्मेशन का एक मैसेज सेंडर के एंड पे सेंड कर दिया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट पैकेट स्विचिंग. नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम. Prepare last three lectures, maybe in this week, any day, tomorrow or day after tomorrow, there will may be a surprise test. So last के तीन lecture जो भी हैं वो prepare कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका responsibilities of the layer, OSI model and transmission media. आंचल गुप्ता, attendance. आंचल गुप्ता इज एब्सेंट. अभिनव मौर्य एब्सेंट. अभिषेक, आकांक्षा सिंह, आकृति, अमन, अनमोल, अंश, अंशुमान, अनुषा, अरुणोदय एब्सेंट, आर्यन, आशीष दुबे, अस्मिता, अवंतिका, आयुष, आयुषी, डिंपल, हर्षित, रितिका, हर्षित एब्सेंट, रितिका, हमजा, काजल गुप्ता, काजल वर्मा, कार्तिक पांचाल, कौशिकी, कौशिका महाजन, मांडवी, आफताब,
हर्षित बोला करो भाई। मुस्कान, नम्रा, नम्रा रेयान अब्सेंट, नितिन, पल्लवी, प्रज्ञा, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, प्रसून, प्रसून शुक्ला अब्सेंट, ऋतिक सिंह रावत, रूमी, साक्षी, सत्यार्थ, सौम्या, शैलेंद्र, शैलेंद्र अब्सेंट, शशांक, शिवांश, प्रसून शुक्ला बोलो तो लिख देते हो, शोभित गुप्ता, कल क्लास नहीं की थी, श्रेयांश, शुभांगी दीक्षित, सिद्धांत, सिद्धार्थ अब्सेंट, सुधांशु, सूरज चौबे, सूरज पांडे, स्वर्णिम, तान्या, स्वर्णिम अब्सेंट, तान्या, यशी दीक्षित, युवराज पांडे, ठीक है, ओके। किसी कोई क्वेरी हो? हाँ, कौन, कहाँ चले गए थे तुम लोग? पता होना चाहिए ना, क्लास तो समय पे खत्म होगी, टहलने ना जाया करो, यहीं रहा करो। और अरुणोदय सिंह है, अरुणोदय तुम भी घूमने चले गए थे, ऑन करके घूमने चले जाते हो। सिद्धार्थ, स्वर्णिम नहीं है, चलो बाकी लोग जाओ। स्वर्णिम,